दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम से हार के बाद अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने रोहित और कोहली को लेकर दिया बड़ा बयान। कह दी कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच में खेले गए मैच में भारत को जीत मिली है, जिसके बाद अफगानिस्तान के खिलाड़ियों का रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान सामने आया। इस दौरान अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर क्या कुछ कहा है, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस बार का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा और विराट कोहली भारत के पक्ष में डाल सकते हैं या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में खेले गए मैच के अंदर 8 विकेट से जीत मिल गई। इस मैच में अफगानिस्तान की टीम ने कप्तान शहीदी के 80 और अजमतुल्लाह के 62 रन के दम पर 272 रन 8 विकेट के नुकसान पे बनाए और इसका पीछा कर भारत ने 35 ओवर में लक्ष्य को 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस दौरान राशिद खान ने 2 विकेट लिए लेकिन भारत के खिलाफ जीत दर्ज नहीं कर पाए। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाड़ियों का भारत के खिलाफ हार के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बयान सामने आया, जिसमें राशिद खान ने बयान देते हुए कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में अफगानिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ा। उससे हम काफी ज्यादा हैरान हैं क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि भारतीय टीम इतना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए हमारी टीम को आसानी से हरा देगी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने जिस तरह से तूफानी पारी खेलकर मैच के दौरान चारों तरफ छक्के और चौकों की बारिश की है, उसे देखकर हर कोई दंग रह गया और यही मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। तो वहीं पे मुजीबुर रहमान ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ जीत मिली है, जिससे मैं काफी ज्यादा निराश हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम ने इतना ज्यादा खराब प्रदर्शन किया था। हमारी टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच गई थी लेकिन जिस प्रकार से हमारी टीम के खिलाफ तूफानी प्रदर्शन किया गया उसको देखकर हर कोई दंग रह गया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की तूफानी पारी ने हमें मैच में काफी ज्यादा पीछे कर दिया जिसके चलते हम हार गए। तो वहीं पे मोहम्मद नबी ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को हमारे खिलाफ इस मैच में आसानी से जीत मिल गई। हालांकि हमारी टीम के बल्लेबाजों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था लेकिन गेंदबाजों के खिलाफ रोहित शर्मा चट्टान की तरह आ गए जिसके चलते हमारी टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ा। और इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा हमारी टीम के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन नहीं करते तो शायद हमारी टीम को आसानी से इस मैच में जीत मिल सकती थी लेकिन रोहित के कारण हमारी टीम इस मैच में बुरी तरह से हार गई। तो वहीं नवीन उल्हक ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को हमारे खिलाफ आसानी से जीत मिल गई, हमारी टीम के बल्लेबाजों ने तो ठीक ठाक प्रदर्शन किया लेकिन हमारे गेंदबाज काफी ज्यादा खराब रहे। रोहित शर्मा ने एक तरफ से तूफानी बल्लेबाजी कर हमारी टीम के मनोबल को डाउन किया जिसका फायदा विराट कोहली ने उठा लिया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली अगर बेहतरीन पारी रोहित शर्मा के बाद नहीं खेलते तो शायद भारतीय टीम के खिलाफ हम किसी भी कीमत पर जीत दर्ज कर लेते। तो दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली की तूफानी पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।